दोस्तों, कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद धृतराष्ट्र के सामने यह समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि वह युधिष्ठिर और दुर्योधन में से किसको हस्तिनापुर का युवराज बनाए, क्योंकि जहां एक तरफ दुर्योधन उनका पुत्र था तो युधिष्ठिर स्वर्गवासी राजा पांडु के पुत्र थे तथा कुरुवंश के सभी राजकुमारों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर नियम अनुसार तो युवराज पद के योग्य थे ही, साथ ही हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी उन्हें ही युवराज के पद पर देखना चाहती थी। इसलिए भीष्म और विदुर के दबाव में राजा धृतराष्ट्र ने अपना मन मारकर युधिष्ठिर को ही हस्तिनापुर का युवराज बना दिया था। युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा अपनी प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की छाप छोड़ दी थी। इसी बीच भीम ने बलराम जी से तलवार, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की थी तथा सहदेव ने बृहस्पति देव के संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद सभी पांडव भाइयों ने हस्तिनापुर राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। इसमें सबसे पहले अर्जुन ने सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी युद्ध में मार गिराया था, जिसे उनके पिता राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे। इस प्रकार दूसरे राज्यों का धन और वैभव हस्तिनापुर आने लगा था, जिससे हस्तिनापुर राज्य की खुशहाली बढ़ गई थी। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि होने लगी थी और सभी लोग पांडवों की ओर और आकर्षित होने लगे थे। पांडवों की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर राजा धृतराष्ट्र बड़े ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनसे पांडवों की यह प्रसिद्धि सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री कणिक को अपने पास बुलवाकर उनसे यह कहा था कि पांडवों की इस प्रसिद्धि से उनके चित्त में बड़ी जलन हो रही है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तब मंत्री कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा था कि हस्तिनापुर की प्रजा अपने युवराज युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करती है और साथ ही पांडव तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रों से अधिक बलवान है। इसलिए नीति शास्त्र यही कहता है कि शत्रु जब तक बलवान हो तब तक उस पर सामने से आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए समय का इंतजार करो और शत्रु का कोई छेद मिलते ही उसे समाप्त करने से मत चूको। जिस प्रकार धृतराष्ट्र पांडवों की प्रसिद्धि से प्रसन्न नहीं थे, उसी प्रकार दुर्योधन का कलेजा भी पांडवों की प्रसिद्धि को देखकर जल रहा था। इसलिए उसने अपने मित्र कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के कई उपाय किए, परंतु वह कभी भी सफल नहीं हो पाया था। तभी हस्तिनापुर की प्रजा के बीच यह आवाजें उठने लगी थी कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को राजगद्दी से हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए। यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ी बुरी तरह घबरा गया था और उसने यह बात अपने पिता राजा धृतराष्ट्र को बताते हुए यह कहा था कि प्रजा आपको हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी संतानों को दूसरे के आश्रित रहकर नर्क के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी जो मैं कहता हूँ वैसा करो। आप पांडवों को किसी तरह कुछ दिनों के लिए वारणावत भेज दो, जब तक मैं हस्तिनापुर की सेना तथा प्रजा पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। उसके बाद पांडव वापस आने के बाद भी इस राज्य को नहीं पा सकेंगे। दुर्योधन की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र के मन में एक आशा का दीपक जल उठा था और उन्हें लगने लगा था कि इस प्रकार अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने का उनका सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए वह दुर्योधन की इस योजना को साकार करने में लग गए थे। धृतराष्ट्र ने अपने कई मंत्रियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था, जो पांडवों और देवी कुंती के सामने वारणावत की प्रशंसा करके उनको वहां जाने के लिए उकसाते रहते थे। इस प्रकार जब पांडवों का मन भी वारणावत की प्रशंसा सुनकर वहां जाने का होने लगा, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को अपने पास बुलाकर यह कहा था कि पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की और वहां लगे मेले की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर मैं तो नेत्रहीन होने के कारण उनका आनंद नहीं ले सकता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि तुम सभी भाई अपनी माता सहित वारणावत जाकर इसका खूब आनंद उठाओ। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर युधिष्ठिर समझ गए थे कि इसमें जरूर कोई चाल है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया था।